और जी आ गया एक और फाइट का अनाउंसमेंट। और मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी फाइट होने वाली है यहाँ पे, बहुत पैसा लगा लोगों का इसमें। भाई मैं भी लड़ लूंगा एक राउंड जाके, मोई थाई तो मैंने भी सीखा है। पिट के आने का पैसा लेना तो अलग बात है, पिटने का मिलता है अच्छा पैसा, ट्रिप स्पॉन्सर हो जाएगा पति के पिटने से। तो ये भी हो जाएगा ना कि मैंने पिट के अपनी बेबी के लिए पूरा ट्रिप खरीदा, गिफ्ट किया। और पीछे पहाड़, वो पहाड़ है लेकिन वहां से लेकर वहां तक सारा बीच है। हाँ हम लोग, अच्छा ये इनका प्राइवेट बीच होगा, डेफिनेटली होगा, ये तो यही प्रॉपर्टी है ना वहां तक, वहीं तक है, चलेंगे। ये पटोंग बीच तो नहीं लग रहा, अब पता नहीं कौन सा बीच है। फिलहाल तो हम लोग अभी रेस्ट करेंगे आज रूम में दोस्तों। स्कूटी का पता कर लिया मैंने, और रेस्ट करके फटाफट बाहर निकलेंगे, स्कूटी लेंगे और निकल जाएंगे घूमने। रेस्ट करेंगे बाहर, फटाफट रेस्ट करेंगे, मतलब 5 मिनट में रेस्ट। एक बोलेंगे खाली पावर नैप। मैं अभी चेंज कर रही हूँ, नाइट सूट पहनूंगी, मैं रेस्ट करूंगी, नींद लूंगी पूरी, उसके बाद में उठ के जाऊंगी। ठीक है, तो तुम मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकती हो क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ। रूम की चीजें अभी अभी लगा देती हूँ, बाथरूम की जितनी भी चीजें हैं, परफ्यूम्स। और आपको बता दूं, संभावना ने विक्टोरिया सीक्रेट से जो परफ्यूम ली थी एयरपोर्ट पे डस्टबिन के डब्बे में फेंकवा दी। मैंने इसको बोला था उसका सील मत खोलो क्योंकि वो नहीं ले जाने देंगे, ड्यूटी फ्री का सील रहता है तो ले जाने देते हैं। मेरी बात नहीं मानी, इसने खोल के वो परफ्यूम लगा लिया और फिर हमारी दूसरी फ्लाइट में उन्होंने उठा के वो फेंक दिया डस्टबिन में। जो 50% ऑफ मिला था वो चला गया कूड़े के डब्बे में। बाथरूम की मेरा सामान तुम्हारा, लाओ ना सामान, तुम करो। कहाँ है मेरा बैग? वहाँ रखा हुआ है। टेबल घेर लिया अपने बैग से? मेरे तो बड़ा बैग है ना, मैं भी मेरा बैग रखा कहाँ है? वो रहा ना। अरे मेरा कहाँ रख रही हो? यहीं पे लटका दूंगी ना। कहाँ पे लटका दूंगी? ये कहाँ पे लटका है? ये रहा ना। ठीक है, ये सब मेरा हो गया। मनी मन हंस रही हो ना, कब्जा करके कब्जा करके देख लिया मैंने, देख लिया। अरे ये पीछे कितनी अच्छी लाइट लगाई है, देखो पेड़ बना हुआ पूरा। तो जी दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और 2-2.5 घंटे की नींद एकदम चमका के पूरी कर ली हम दोनों ने, और माहौल इतना कमाल का हो रहा है ना सामने, ये देखो ओहो, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है समुद्र और भी खूबसूरत हो रहा है। और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, मेरा तोता एकदम तैयार हो चुका है, और अब तोते के साथ तोता हूँ मैं, तोता हूँ हगे गंगा तोता हूँ। हम निकलेंगे घूमने के लिए, भी बाहर निकलते हैं, स्कूटी लेते हैं और फिर तफरी पे निकलते हैं। आज का दिन हमारे पास है पूरी तफरी मारने का, कल से तो हमारे एवरीडे कुछ ना कुछ शो या सफारी या फलाना ढिमकाना, रोज कुछ ना कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। तो अभी निकलते हैं और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले ढूंढनी हमें स्कूटी। चलो चलो, कंफर्टेबल एंड नाइस, अच्छी लग रही है। तो जी ये चले हम अपनी मंजिल की ओर। ये खुला दरवाजा, कार्ड का है, ये रहा कार्ड, मेरा कार्ड, और ये रहा। ओह माय गॉड, क्या ही व्यू है, जरा देख लो आप, मतलब आप देख ही लो। और ये रहा नीचे स्विमिंग पूल, इधर आया जाएगा, हम आएंगे इधर, झरना भी। चलिए जी, चलिए चलिए, बिल्कुल एकदम रेडी है। 2 घंटे की मैंने कस के नींद पूरी की है, हो सकता है मुंह पे मेरे सूजन भी हो, बट इट्स ओके। चलो बेबी चलो, मैं बेबी को ना नाराज नहीं करना चाहती। हाँ मेरी ये चप्पल चरमरा रही है, पता नहीं क्यों। बेबी कितने क्यों क्यों इधर ड्रैगन, ये देखो ऑक्टोपस, ये देखो, ये सब सी के वो है जानवर जीव जंतु। रिसेप्शन पे सामने बहरा इतना बड़ा फवारा, और मुझे लग रहा है हम यहाँ से, बहुत सुंदर है, सच्ची बताओ तो होटल बहुत सुंदर है। अभी तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ होगा। तो जी टॉय ट्रेन आ गई है हमारी, चलेंगे फटाफट, आटा पाटी। स्कूटी रेंट पे कार फॉर रेंट टैक्सी सर्विस यही होगा। हाँ बेबी, मोटर बाइक फॉर रेंट भी है। Name, name,
How old? About one year. Aa gaya, aa gaya. Good boy. Yeah. Oh, Peppa. I have four. So, जी यहाँ पे एक और doggy मिल गया हमें. And what's his name? How? और ये 14 years का है और इसको heart problems है. मेरे कोको के बाद एक मेरे को बुजुर्ग दिखाया. Yeah. You have to give him heart medicine. The way he's coughing, he coughing. Huh? You give him heart medicine. You have to. Yeah. It's because of heart. Heart is enlarged. Really? Yes. So ये रही हमारी जी स्कूटी. Just बंद हो. हाँ. Thank you. और ये निकले हम अपनी मंजिल की ओर. लेकिन मेरे ख्याल से रूम से अविनाश डॉलर्स लाना भूल गया है. तो पहले रूम में ही जाना पड़ेगा दोबारा से. Hey baby. जैसे हम स्कूटी में बैठते मजा आ जाता है ना. ये तो कोई मार्केट ही है बेबी. देखो पता कर लेते हैं, धीरे करो. इतनी वाओ वाली फीलिंग आ रही है ना. वाओ जी, हम लोग आ गए हैं अपने मंजिल की ओर. बेबी यहाँ आए थे हम लोग लास्ट टाइम, है ना, ये एरिया था वो. तो जी हम लोग आ गए हैं हमारी जगह पे. मुझे यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी दिख रहा है, स्टारबक्स भी दिख रहा है, वो आगे भी है स्टारबक्स में भी. यहाँ लगा दो. हाँ. तो जी हम लोग पहुँच गए पटोंग बीच. ये बीच जुम्बा हो रहा था जिसके लोग पैसे भर के डांस कर रहे हैं. बाकी लोग देख रहे थे ये बीच में घुस गई. बीच जुम्बा के बीच में घुस के फ्री में नाच आई और उनको लगा हमारे पास इतना अच्छा स्टूडेंट कहाँ से आ गया. तो कोई अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है. बहुत अच्छा. और पता नहीं चल रहा था कि कोई बाहर का आके घुस गया है. ऐसा लग रहा था ये रोज करता है, इसको सारे स्टेप्स याद है, इसलिए तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाया. बेबी तुम्हें पता है अभी मुझे कौन मिला पीछे? कौन? गोरखपुर से कोई. बोले अविनाश भैया. मैंने कहा आप कौन? हम भी गोरखपुर से. मैंने कहा मैं गोरखपुर से, आपको पता है? कह रहे तभी तो आए हैं आप. तो जी संभावना की तन्हाई का हम सफर स्टारबक्स यहाँ भी मिल गया है. यहाँ पे आकर ना अपने वाले चार बच्चे याद आ गए. इंडिया वाले मतलब यहाँ पे प्यारी प्यार से ही कॉफी दे रहे हैं, लेकिन अपनी सीमा वगैरह सब याद आ रही है. कितने प्यार से बना के देती है नेहा सीमा. आई एम मिसिंग ऑल ऑफ देम. नेहा सीमा चांद शाहरुख जिस जिसका भी नाम मैं भूल रही हूँ सबको. ये देख लो ये बच्चा सच में कॉफी लवर है. देखो कैसे कॉफी पी रही है बाहर बैठ के. और संभावना ने जब उसकी कॉफी की तरफ बढ़ी ना, कॉफी कॉफी बोला दो बार, तब ये काटने दौड़ी है संभावना को. मस्त में कॉफी पी रही है वो. देखो ना, देखो और क्लोज में जाओ ना. तो हमारे पास कोई नहीं है, मतलब लोग हैं लेकिन हमारा अपना कोई नहीं है. और हम दोनों ये जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं विद आवर कॉफी. इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं.
अब हम लोग एंटर कर रहे हैं, जिस मार्केट में एंटर कर रहे हैं वो पूरी खाने की मार्केट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सी फूड यहाँ पे ही मिलेगा। किस चीज का? कोकोनट का है क्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो पहले खाना खा ले। तो जी, ये संभावना ने पता नहीं कौन से चार पांच तरह के जूसेस का मिक्स बनवाया है। ड्रैगन फ्रूट है, फलाना फ्रूट है, ढिमकाना फ्रूट है, और वो मिक्स कर रहे हैं अभी, जूस का वेट कर रहे हैं। इतने स्कॉर्पियंस लेके आया, कहते ईट ईट, स्कॉर्पियन स्टिक्स पे थे, कहते ईट, इतने बड़े बड़े असली स्कॉर्पियन, असली स्कॉर्पियन बिच्छू, बिच्छू आएगा ना फिर दिखाते हैं, लेके घूम रहा है वो बिच्छू ऐसे स्टिक पे। यहाँ पे बड़ी अजब अजब चीजें हैं। तो जी, ये आ गया वो अनोखा जूस संभावना ने बनाया है। इसमें 36 तरह के फ्रूट मिलाए गए हैं। पहले तुम टेस्ट करके बताओ बेबी, जहर तो नहीं है? फिर मैं पीऊंगा। अच्छा है, किस चीज का टेस्ट आ रहा है? क्योंकि जो जो फ्रूट मिला है मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। स्वीट एंड साउर। अमरूद है, अमरूद है। गलाना खराब हो जाएगा, ठंडा एकदम। तुम तो बिल्कुल मत पियो, पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ, पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर ट्रिप अच्छा बिताना है तो। कुछ और पी लो, मैं कुछ और छोटा पी लो, इसको मैं कोशिश करूंगा खत्म करने के अकेले। हाय हाय, छुनछा के साइज का जूस मंगा लिया तुमने। आई वांट टू टेस्ट दिस आल्सो, आई वांट टू टेस्ट दिस। जगह नहीं बची उसमें, कितना भरोगी? तो जी, जिस दुकान पे भी जा रहे हैं सम्मानो कोकोनट आइसक्रीम खाने लग जा रही है, फिर से उसकी तीसरी आइसक्रीम है। इतनी अच्छी लग गई तुम्हें? क्या ही है जिंदगी में भी, और आइसक्रीम के अलावा ये कोकोनट की शेल में दी है क्या आइसक्रीम? ओह, और ये इसमें कोकोनट है या आइसक्रीम है? कोकोनट भी है, आइसक्रीम भी है ना। ओह, ये तो ओरिजिनल कोकोनट है। कोकोनट की मलाई, इसलिए मजा आ रहा है मेरे को। तो जी, सम्मानों को तीन तीन बार ये आइसक्रीम खाने के लिए गुस्सा करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट किया ये, और ये आउट ऑफ द वर्ल्ड आइसक्रीम है। Where can I see? Where can I try? This won't fit. Is this big? You tell me which shop I go buy big size. No. Oh no. इन्होंने अपने पहनूं ये बार खरीद लूं? नहीं नहीं भाई, बड़ा ही पहनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने अपने यहाँ की लड़कियों के हिसाब से, छरहली लड़कियों के हिसाब से स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखे हैं। इन्हें ये नहीं पता यहाँ पंजाबी भी आ सकते हैं। मैं मेरा मजाक बना रहे हो तुम? नहीं नहीं, पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है। बहुत बड़ी फाइट होने वाली है कल। ऐसे ही देख रही हूँ चीजें, फेंग शुई की बड़ी सारी चीजें यहाँ पे। देखो, एक ना आउल भी है, मैंने देखा था, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेना। नजर ना लगने के लिए। ये देखो छोटे छोटे हैं, चुंचा के साइज के, बड़े भी हैं। बड़ा उल्लू तो खतरनाक लग रहा है जी। अविनाश यहाँ पे कुछ शूटिंग वूटिंग कर रहा है, कह रहा है मैं करूंगा, ये गन मिल गई है। तुमने बुल्स आई मार दिया पहले में ही। सेकेंड वेर नाइन, इस बार नौ नंबर आया, पहले सीधा ही 10 नंबर पे आया था। सेवन, सो 12 मोर शॉट्स बेबी, पहले में ही तुमने बोल जाने मार दिया। या गुड, गुड और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेबी तुमने सीधा पहले 10 हिट किया है। मेरा ये जो मेन कोर है ना, इसके अलावा सिर्फ दो ही बाहर शॉट्स लगे हैं, बाकी सब अंदर लगे हैं। बेबी तुम एक्चुअली, तुम्हें आता है ये क्या? मुझे आता नहीं, बट मैं जहाँ भी करता हूँ मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर ये स्किल तो है, मैंने कभी डेवलप नहीं की। बेबी ये करनी चाहिए तुम्हें। हाँ, मतलब मेरे अंदर कल भी करेंगे ये शूटिंग का, मेरे अंदर वो है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम लोग आ गए यहाँ पे मसाज कराने की संभावना के, पैर बहुत ज्यादा सूज गए, उसका फायदा उठाते उठाते मैंने भी फायदा उठा लिया। मैंने पैर लग रहा है हल्दी, चंदन, कोई जड़ी बूटी लग रही है हमारे पैरों पे, जिससे थोड़ा पैरों को क्लीन किया जाएगा, उसके बाद होगी मसाज। देखो कैसे गुब्बारा बन गया, बहुत ज्यादा सूज गए हैं। और जी, आ गया एक और फाइट का अनाउंसमेंट, और मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी फाइट होने वाली है यहाँ पे, बहुत पैसा लगा लोगों इसमें। भाई मैं भी लड़ लूंगा एक राउंड जाके, मोई थाई तो मैंने भी सीखा है। पिटने का मिलता है अच्छा पैसा, अपना ट्रिप पूरा, हमारा ट्रिप पूरा, ट्रिप स्पॉन्सर हो जाएगा पति के पिटने से।
तो ये भी हो जाएगा ना कि मैंने पिट के अपनी बेबी के लिए पूरा ट्रिप खरीदा, गिफ्ट किया। तुम्हें तो मछली वाली चप्पल मिली है? हाँ, मुझे मछली की चप्पल मिली है। मेरी दोनों मियां बीवी मछली की चप्पल पहन के निकल गए मसाज कराने। लग रहा है चार मछली चार मछली एक साथ चल रही तो जी फाइनली अब मसाज करा के और हम लोग निकल पड़े हैं होटल की तरफ। और मेरे भी अच्छा ही हो गया करा ली तो, क्योंकि मेरे पैरों में भी सूजन बहुत ज्यादा हो गई थी। एनीवे अभी रूम पे पहुंच जाए फिर मिलते हैं आपसे। हेलमेट पहन लेना बीबी। रास्ते में बारिश शुरू हो गई है और हम लोगों ने रेनकोट वगैरह कुछ भी कैरी नहीं किया है, और हम लोग बारिश का मजा लेते हुए फटाफट